आप बहुत बार देखें कि कोई आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया होगा और बाद में वो डिलीट हो गया होगा और आप ये कंफ्यूज में रहते हो कि वो मैसेज क्या था। ऐसे बहुत सारा मैसेज आता है जो आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी और ग्रुप में भी जो मैसेज डिलीट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता वो मैसेज में क्या लिखा है, मगर आपको आपके दिमाग में यही कन्फ्यूजन रहता है अगर वो मैसेज किया क्या है। जैसे कि मैं कोई मैसेज करता हूँ, मेरे दो व्हाट्सएप है, दोनों व्हाट्सएप के मैं अभी ओपन करता हूँ। अभी जैसे मैं मेरा और एक व्हाट्सएप नंबर पे ये मैसेज किया हूँ तो देखिए वो नोटिफिकेशन में भी आ गया है कि मैसेज आया है हेलो और जो भी लिखा हूँ, और मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन। तो वो व्हाट्सएप में मैं जाके देखता हूँ अभी कि वो मैसेज डिलीट हो गया होगा। देखिए वो दो मैसेज आया है मगर डिलीट हो गया है। ऐसे बहुत सारा दिक्कत आपके साथ यही होता होगा कि आप कुछ कभी भी अपना व्हाट्सएप ओपन करो तो बाद में देखने के लिए मिल रहा होगा कि वो मैसेज डिलीट हो गया है। तो आपके माइंड में पूरा बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि एटलीस्ट वो मैसेज क्या था, कोई क्या भेजा था, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अगर जो भी बंदा वो मैसेज डिलीट किया होता है, अगर आप उसके पास भी कॉल करते हो या मैसेज करते हो कि वो मैसेज किया था, चाहे वो कोई किसी भी बात बोल के टाल देता है कि वो मैसेज किया था, तो आज मैं एक तरीका बताने वाला हूँ कि उस तरीके को यूज करोगे तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि कोई भी अगर आपका मैसेज आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में डिलीट किया है तो अब आप आसानी से वो मैसेज को पढ़ सकते हैं। मैं हूँ प्रशांत, मेरा चैनल न्यू इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीट किया हुआ मैसेज रिकवरी कर सकते हैं या डिलीट किया हुआ मैसेज पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। तो ऐसा कोई बहुत सारे फ्रेंड होते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअली वो कैसे रिकवरी होते हैं मैसेज, मैसेज कैसे पढ़ते हैं। तो बाद में मैसेज में कमेंट में यही लिखते हैं कि ये हुआ नहीं या रॉन्ग ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर जाकर आपको समझ आएगा कि कैसे हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही व्हाट्सअप ट्रिक और ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उनको भी पता लगे ये कैसे हो रहा है। देखिए इसके लिए एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगा, वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन का नाम है, मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, दिखा जाता हूँ, व्हाट्सअप डिलीट। तो मैं वो एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ पहले। आप जाके अपने प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए पहले। मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, अभी उसको ओपन करता हूँ। तो ओपन होने बाद स्टार्ट करिए, कुछ अलाउ मांगेगा पहले, तो प्लीज़ आप जो भी अलाउ मांगते हैं तो आप पहले उसको अलाउ कर लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही व्हाट्सएप ट्रिक और एप्लीकेशन ट्रिक रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, या ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, या आपको बिजनेस रिलेटेड वीडियो बना के भी हेल्प कर सकता हूँ। नहीं तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट वीडियो को कोई भी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का वीडियो बना लूँगा। बस आप कमेंट में लिखिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। मैं अभी ओपन करता हूँ एप्लीकेशन को। कुछ अलाउ मांगे हैं, मैं सारे अलाउ कर देता हूँ। उसके ओके करता हूँ। इसमें आपको कोई भी नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा नंबर, मैं व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप नंबर डालना जरूरत नहीं। बस आप उस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और ओपन करके कोई भी अलाउ मांगते तो अलाउ करके छोड़ दीजिए, तो बाद में वो अपना काम करने लग जाएगा। जो भी अलाउ मांगे आप अलाउ कर दीजिए। तो उसका अलाउ के इससे कुछ ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको उस व्हाट्सएप वो अपना आप ही अलाउ कर लेगी कि आपका व्हाट्सएप आपके मोबाइल में कौन सा व्हाट्सएप है और कौन सा मैसेज डिलीट हुआ है वो अपना सेव करने के लिए। चलते हैं, हमें देखते हैं एप्लीकेशन सही से काम कर नहीं कर रहा है। तो मैं मेरे और एक नंबर पर मैसेज करता हूँ, वो जो दूसरे नंबर को, और वो मैसेज डिलीट करता हूँ। आपको एक बार मैं वो दिखाया कि मैं एक नंबर पर दूसरे नंबर को मैसेज करके डिलीट किया और वहाँ पर डिलीट दिखा रहा है। अब फिर से देखते हैं कि वो ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, मैं आपको पूरा लाइव करके बता रहा हूँ। देखिए मैं मेरा और एक व्हाट्सएप में आ चुका हूँ और मैं उस जो भी मेरा मेन व्हाट्सएप है उसमें मैसेज करता हूँ, कुछ भी मैसेज करता हूँ, जैसे कि ए, और एक मैसेज में मैं बी लिखता हूँ, और एक मैसेज सी लिखता हूँ, और एक मैसेज डी लिखता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ चुका है, आप ऊपर देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं चार मैसेज किया हूँ, उसमें से कोई भी दो मैसेज डिलीट करता हूँ मैं, जैसे बी सी, और डिलीट मारता हूँ यहाँ पर, और
डिलीट फॉर एवरीवन। अभी मैं वो व्हाट्सएप पे जाकर देखता हूँ वो कौन कितना मैसेज आया है और कौन 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 सा आया है। देखिए मैं यहाँ पर ए बी सी डी मैसेज किया था आपके सामने और जो मैसेज डिलीट किया था और बी सी, अभी ये मैसेज यहाँ पर दिखा नहीं दे रहा है, डिलीट हुआ है। अभी हम चलते हैं वो एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया व्हाट्सएप डिलीट वाला, व्हाट्सएप पर चलते हैं और वो व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन करने बाद अभी देखते हैं वहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ चुका है एयरटेल, जो भी माई एयरटेल में मैं मैसेज किया तो माई एयरटेल मेरे मोबाइल में यही नाम पे मैसेज, अभी ये सारा आ गया ए बी सी डी। देखिए ये सारा मैसेज आ चुका है, जो भी जो आप मैसेज जो भी मैसेज किया था वो आ चुका है और जो डिलीट हो चुका था मैसेज वो भी आ चुका है। आप ऐसे वो मैसेज जो कोई भी कोई आपको पास मैसेज करता है वो डिलीट करता है, तो आप ऐसे आसानी से अपना मैसेज पढ़ सकते हैं। कुछ भी कोई भी मैसेज करे और आपको वो मैसेज डिलीट कर दे तो आप आसानी से ही वो मैसेज को दोबारा रीडिंग कर सकते हैं और आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मुझे कोई मैसेज किया था क्या। देखिए मैं वहाँ पर डिलीट किया मगर यहाँ पर आ चुका है जो भी एच डी जी एच लिखा था, और मैं वो मेन व्हाट्सएप पर जाकर देखता हूँ। देखिए मेन व्हाट्सएप पर भी मैसेज डिलीट है और देखिए वो व्हाट्सएप वो एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्स डिलीट। आप जाके प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आराम से चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और ये फ्री सर्विस है, पेड सर्विस नहीं है। तो ऐसे आप बिल्कुल जो भी व्हाट्सएप का जो मैसेज डिलीट है आप ऐसे ही रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करिए कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वो वीडियो फ्री में देख सके। वो सब्सक्राइब भी फ्री है, तो फ्रेंड प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।